एवं बहनों। लेंट एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवधि है जो ईसाई समुदाय के लोग विशेष रूप से मनाते हैं। यह एक अवसर है जब हम अपने आत्मा की परिशुद्धता, साधना और समर्पण में सुधार करने का समय निकालते हैं। पहला, त्याग और विनम्रता। लेंट के दौरान हमें अपने इच्छा शक्ति से बाहर निकलकर कुछ छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए, ताकि हम अपनी अंधकार से दूर होकर परिशुद्धता की ओर बढ़ सकें। दूसरा, प्रार्थना और मेधावी ध्यान। इस समय में प्रार्थना और ध्यान का विशेष महत्व है। इससे हम अपने आत्मा के साथ संबंध में मजबूती प्राप्त कर सकते हैं और आध्यात्मिक आराम अनुभव कर सकते हैं। तीसरा, धार्मिक पठन और चिंतन। लेंट के दौरान शास्त्रों का पठन और ध्यान करना आत्मिक संवाद में मदद कर सकता है और जीवन की दिशा में समझ ला सकता है। चौथा, सेवा भावना। लेंट एक समय है जब हमें दूसरों के प्रति सेवा भावना में रुचि बढ़ाना चाहिए। छोटी छोटी सेवाएं या दान करने से हम अपने आत्मा की परिशुद्धता में सुधार कर सकते हैं। पांचवा, मानवता के प्रति समर्पण। लेंट एक अवसर है जब हमें मानवता के प्रति समर्पण बढ़ाना चाहिए। अपने पास जो भी है उसे अन्यों के साथ साझा करना हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने का अवसर देता है। छठा, प्रार्थना और मैदानी ध्यान। लेंट का समय विशेषता से प्रार्थना और मैदानी ध्यान के लिए होता है। यह समय अपने संबंध बनाए रखने और ईश्वर के साथ आत्मिक संवाद में लगाने का भी है। सातवां, भिक्षाटन और संयम। लेंट के दौरान भिक्षाटन और विशेष संयम के माध्यम से हम अपनी इच्छा को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। इसकी ओर एक कदम है। आठवां, दान और सेवा। इस समय में हमें अपना समय, शक्ति और संसाधनों का सही तरीके से सेवा में योगदान करना चाहिए। नवा, आत्मा की शुद्धि की दिशा में लेंट हमें अपनी आत्मा को शुद्धि की दिशा में बढ़ाने के लिए मजबूत करता है। यह हमें अपनी भूलों को मानने और सुधारने का मौका देता है। दसवां, अपने आसपास के लोगों के प्रति सहानुभूति। लेंट हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा की भावना को बढ़ावा देने का एक अद्वितीय मौका भी प्रदान करता है। ग्यारहवां, अपने उद्देश्यों की दिशा में समर्पण। लेंट हमें अपने उद्देश्यों और मूल्यों की दिशा में पुनः समर्पित होने के लिए एक सामर्थ्य देता है। इसलिए बंधुओं और बहनों, लेंट का समय हमारे आत्मिक सफलता और समृद्धि की दिशा में हमें एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जा सकता है। हम सभी एक दूसरे की सहायता करें और इस समय को सावधानी पूर्वक और पूरी ऊर्जा के साथ गुजारें। इस वीडियो को सभी कृषक भाइयों एवं बहनों के पास शेयर करें।